हेलो सृष्टि जी, जीते जसवाई, आपका काम खत्म। सच तेजस कभी झूठ नहीं बोलता। अब आप जश्न मनाइए, एंजॉय कीजिए, सारी चिंता खत्म हो गया। हमने काम को इस कदर अंजाम दिया है कि झनक आप कभी वापस नहीं आ पाए। फिर कभी आपके दरवाजे पर आकर नहीं गई थी। वापस आ गई तेजस भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती आपने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पर। ऐसे ही एहसान आपने झूठ में नहीं किया। बताइए तेजस भाई, इसके बदले में आपको क्या चाहिए? कुछ तो है जो आप समय चाहिए, सोचिए सर। अब आपके पास सब कुछ है, मैं क्या आपको दे सकती हूँ? देखिए लेडी, हम बाद में करेंगे। बस अब सिर्फ इतना बता देता हूँ कि श्रीनगर में जो घर का जितना भी हिस्सा आपके नाम है वो आप हमारे नाम, वरना जो हाल झनक का हुआ है वही हाल आपकी बेटी का होगा। ठीक है, आप हमेशा सच बोलते हैं। गलत करते हैं क्या? नहीं ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जब हम कहेंगे तब, जल्दी में वापस का नाम ना, जब सब शांत हो जाएगा तब हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए बाय। बात फाइनली आपने मेरे लिए कुछ किया है। मेरी बेटी को और सहता नहीं देख सकती, उसे तो बात करना ही पड़ेगा। तेजस से बात कर रही हूँ, उनसे मैं टच में हुई क्योंकि झनक बहुत ज़्यादा अब उसके तेवर बढ़ गए हैं। तो मैंने फाइनली तेजस से बात की और तेजस को बुला लिया है मैंने उसको, झनक को हैंडल करने के लिए। सो लेट्स सी, दोनों ने मिलके नहीं, तेजस के हवाले कर दिया है मैंने झनक को, और मैंने उनसे ही कहा है कि आप उसे कश्मीर लेकर जाइए और कुछ तो कीजिए उसके साथ। तो पता नहीं अभी तेजस प्लान कर रहे, शायद तेजस ने कुछ किया है उसके साथ, क्या किया है वो अभी तेजस ने बताया नहीं है मुझे। पिछले शो में एक्चुअली ऑन एंड ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले किए मैंने, बट या पॉजिटिव कैरेक्टर्स से कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और तो लेकिन फैंस तो है बहुत सारे सेम यू जो फॉलो करते हैं। तो आई थिंक इवेंचुअली किसी भी एक्टर के लिए जितना वैरायटी का काम आप करो उतना बेटर होता है, उतना आपको सीखने को मिलता है। तो मेरे लिए तो ये अच्छा ही है कि पिछले शो से मैं कुछ अलग यहाँ कर रही हूँ और फैंस को वो साइड भी देखने को मिल रहा है और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं बहुत काम मेरा। तो काम अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन हाँ झनक को सता रही हूँ इसलिए मुझे गालियाँ भी बहुत सारी मिलती है। मुझे और मेरी बेटी को बहुत सारी गालियाँ मिलती है, बट आई थिंक दैट इज ऑब्वियसली, मतलब वो तो होना ही चाहिए। एक नेगेटिव कैरेक्टर को बहुत ज्यादा लोग अगर पसंद करने लगे तो फिर मेरे काम में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे मुझे लगेगा। थैंक यू।